हुकूमत मुर्दाबाद, 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 फलस्तीनी हुकूमत जिंदाबाद, 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 फलस्तीनी मुजाहिद जिंदाबाद, 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 फलस्तीनी मुजाहिद जिंदाबाद, 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 इजरायली हुकूमत। हमको खड़े रहना है, आगे भी ये जो डबल लाइन हो रही है इसको भी सब लंबे रहना है। आवाज़ हमें, आवाज़ जिंदाबाद, 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 एक दूसरे का हाथ पकड़ो जंजीर। की पकड़ फरमा, ये वाला इन इन अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत की तरह इनको मकड़ी के जालों की तरह साफ कर दे। परवरदिगार आलम हमारे मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमा, ये मौला बातिल बातिल इसराइलियों को नेस्त नाबूद फरमा। ए मौला करीम आज के हमारे इस धरने को कबूल फरमा। मौला हम तमाम लोगों के दिलों के अंदर मुस्लिम उम्मत की और आलम इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा, तमाम आलम इस्लाम को मुत्तहिद फरमा। और जिस तरीके से रमज़ान महीने में इसराइल ने फिलिस्तीन मुसलमानों के ऊपर, मासूम मासूम बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर जो बमबारी की, उनको शहीद किया और एक साजिश के तहत कब्जा करना चाहता है और मस्जिद अक्सा को मैं कब्जे में लेना चाहता है, जो इनकी साजिश कई बरसों से, कई सालों से चलते आ रही है, ये कभी भी कामयाब नहीं होगी। और मैं सलाम करता हूँ फिलिस्तीन के मुसलमानों को, वहाँ के मासूम मासूम बच्चों को जो इसराइल हुकूमत का मुकाबला कर रही है, मैं उनको सलाम करता हूँ। और आज का एहतजाज हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ में नहीं है, भारत सरकार के खिलाफ नहीं है, ना रियासती हुकूमत के खिलाफ है, ना किसी भी धर्म के खिलाफ में आज का एहतजाज हिंदुस्तान के अंदर जो भी धर्म रहते हैं ना, उनके कभी खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर हम भारत की पॉलिसी देखें हमेशा, तो भारत गांधी जी उस वक्त फिलिस्तीन की सरजमीन पर इसराइली हुकूमत नहीं होना चाहिए, इस तरीके का बिल्कुल वाजे गांधी जी का एक मैसेज था, एक पॉलिसी थी उस वक्त की। और भारत पहला गैर अरबी मुल्क है। 1974 में यासिर अरफात की तंजीम जो सियासी पार्टी थी उसको सियासी पार्टी माना भारत ने। फिलिस्तीन के ताल्लुकात हमेशा भारत के साथ बहुत अच्छे रहे। हम भारत हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि हमारा निवेदन, हमारा मेमोरेंडम के जरिए हम ये मुतालबा करते हैं कि फिलिस्तीन के साथ में खड़े रहे, ताल्लुकात बरकरार रखे और मजबूती के साथ फिलिस्तीन आवाम के साथ खड़े रहे और इसराइल के खिलाफ में खड़े रहे। और पूरे दुनिया के मुमालिक को एक प्लेटफार्म पे लाकर इसराइल का बायकॉट होना चाहिए, ऐसी हुकूमत ने पहल करना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान की हुकूमत ने, ये हमारा मुतालबा है। और ये पूरा हमने एहतजाज था। और जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर पूरा हमने एहतजाज मुसलमान करता है और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग पूरा हमने एहतजाज करते रहेंगे। ये गैर सियासी प्रोग्राम था, इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति के जरिए प्रोग्राम किया गया। मैं आपके माध्यम से मालेगांव शहर के मुसलमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त उन्होंने यहाँ पर दिया, एहतजाज में शामिल रहे।